गाइज, पिक्सेल एक्सपीरियंस का 6 दिसंबर का अपडेट आया है ऑफिशियल एंड्रॉयड क्यू सपोर्ट के साथ, जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने काफी चीजें जो नोटिस की है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप पिक्सेल एक्सपीरियंस के एंड्रॉयड क्यू को फ्लैश करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन आपने सोच ही रखा है कि नहीं फ्लैश करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अनटूटू का रनिंग टाइम इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि भाई बाद में आप कहोगे कि भाई गलत है, ऐसा है वैसा है। प्रॉब्लम है इसके अनटूटू के स्कोर के साथ। जी हाँ, ये रन नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे 10 टाइम ट्राई कर लिया है लेकिन हमेशा ये 60% के पास आके फ्रीज हो जाता है और इसके आगे है जो नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे अनटूटू का स्कोर मैं चाह के भी जो काउंट नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे रन नहीं कर रहा है। अब आते हैं सबसे पहले अबाउट के ऊपर, और फुल चेंजों वगैरह भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाता है 10, जो कि फुल्ली स्टेबल है। 5 नवंबर का सिक्योरिटी पैच है, अभी दिसंबर का आया नहीं है तो पता नहीं कब तक हमें देखने को मिल जाता है, बट जब भी मिलेगा भाई वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे पिक्सल प्लस का आपको है जो किरनेल यूज किया गया है। अगर बैक की ओर चलते हैं हम तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सिस्टम, जहाँ पे अपडेटर और साथ साथ यहाँ पे मेंटेनर का नेम भी है जो देखने को आपको मिल जाता है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे फिक्सेज ये की गई है, तो अगर आप ओटी अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पे इजीली आप ओटी अपडेट कर पाओगे। पहले वाले में एरर आता था कि हमारा ओटी अपडेट नहीं हो पाता था, बट आप चाहोगे तो ओटी अपडेट आप कर पाओगे। या मैं तो यही रिकमेंडेड करूंगा भाई, फुल पैकेज डाउनलोड करो और डैक टीलर पर जाके फ्लैश कर दो। यहाँ पे आपको इन्वाइट 10 वाला बेनिफिट और यहाँ पे प्रिवेट रिंगिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं पे डिजिटल वैल्यूइंग क्या क्या यूज किया है वो बताता है। यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट परफेक्ट वर्किंग है, कोई भी दिक्कत मुझे फिंगरप्रिंट में देखने को नहीं मिला। कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं कि यहाँ पे फेस अनलॉक आया या नहीं है स्मार्ट लॉक के अंदर, तो भाई एंड्रॉइड 10 का ऑफिशियली डेट है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है। और इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस की अगर बात मैं करूँ तो मुझे हल्का सा ब्राइटनेस लो लगा, आई डोंट नो वाई, क्योंकि इतना ब्राइटनेस रहता नहीं है, थोड़ा सा और मैक्स रहता है, थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है। बट ब्राइटनेस ओवरऑल सही है लेकिन सनलाइट में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो मुझे ब्राइटनेस यहाँ पे हल्का सा कम लगा है। ऐसे नॉर्मली बेसिक यूज पे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आउटडोर में प्रॉब्लम हो सकती है। आगे जाते हैं साउंड्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट रिंगिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपको है जो यहाँ पे पहले डुअल सिम पे रिंगटोन्स वगैरह नोटिफिकेशन चेंज नहीं हो रहे थे, बट चेंजों के हिसाब से यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो आप इजिली से सिम 1 और सिम 2 पे सेपरेट सेपरेट है जो रिंगटोन है जो सेट कर पाओगे, दिक्कत नहीं आती है। डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड यूनिवर्सल मिल जाता है, वॉलपेपर का सेशन जो कि परफेक्ट वर्किंग है, साथ ही डिस्प्ले साइज और यहाँ पे स्क्रीन सेवर लॉक स्क्रीन का एम्बिएंट पिकअप वगैरह आपको देखने को मिल जाता है जो कि फुल्ली वर्केबल है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट वाईफाई ब्लूटूथ परफेक्ट काम करता है, कोई भी इशूज नहीं है, ना ही कोई गिली टाइप का कुछ देखने को मिल जाता है, तो आप फुल्ली यूज कर पाओगे। और भी प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको DRM Info में L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, आप GKM यहाँ पे यूज कर पाओगे, कोई भी इशू जो यहाँ पे नहीं आता है। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम लगा है, वो है अनटूटू के स्कोर के रनिंग टाइम को लेकर जो कि काम नहीं करता है। यहाँ पे आप इजीली रूट भी कर सकते हो, नो इशूज, माइग्रेट ऐप का यूज कर पाओगे, नो इशूज, इनमें कोई भी इशूज नहीं आता है। आगे अगर हम आप बात करें इसके चेंज लॉक की, क्या चेंज लॉक मिल जाता है, तो एक नजर हम डाल लेते हैं इसके चेंज लॉक के ऊपर। तो यहाँ पे चेंज लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा गया है, जैसे कि आपको ओटी अपडेट करना है तो उसके लिए आपको जो इनक्रिप्शन होना चाहिए, अदरवाइज स्टार्टिंग के टाइम पे आपको पिन वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भाई डायरेक्ट ओटी अपडेट ना करके फुल पैकेट डाउनलोड करो, टीलर से फ्लैश कर लो। यहाँ पे चेंज लॉग में यहाँ पे जो न्यू फ्रेमवर्क का यूज करने के लिए बोला गया है 9.11.28 का। अगर आप कस्टम रोम से स्विच कर रहे हो, कस्टम रोम पिक्सल एक्सपीरियंस से, तो आपको फ्रेमवर्क यूज करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वाले रोम से स्विच कर रहे हो यहाँ पे पिक्सल पे, तो आपको फ्रेमवर्क यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको एरर आता है एरर 7, तो आपको फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। जी हाँ, एरर 7 आता है तो फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा, तो आप सिंपली ऐसे भी फ्लैश कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जो न्यू CEF का टैग किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे व्हाट्सएप और यूट्यूब से रिलेटेड कुछ बग्स थे, जैसे कि वीडियो कॉल कर पाना और साथ साथ क्रैश करने की इशूज वगैरह जो थी उसे फिक्स कर दिया गया है, तो अब दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू एड अपडेट पिक्सल लाइव वॉलपेपर, तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको वॉलपेपर का सेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे कमाल कमाल के लाइव वॉलपेपर है जो सेशन ऐड किए गए हैं, जहां से आप कोई सा भी वॉलपेपर यूज कर पाओगे, तो काफी अच्छा अच्छा है। बस इसे आपको डाउनलोड करने की पड़ेगी और ये मूव भी करता है जब आप इसे डाउनलोड कर पाओगे तो मुझे ये काफी अच्छा लगा है वॉलपेपर का सेशन, तो आप जो चाहो वो आप यहाँ पे यूज
कर सकते हो। रिंगटोन के बारे में मैंने बता दिया है कि मल्टी सिम यानी ड्यूल सिम पे आप अलग अलग है जो रिंगटोन्स वगैरह सेट कर पाओगे, और बहुत सारी चीजें इंटरनली इंप्रूव की गई है जिसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि कोई शायद नहीं समझ पाएगा। और जो फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम रेडमी नोट 7 प्रो पे पिक्सल एक्सपीरियंस के एंड्रॉइड क्यू को फ्लैश कर रहे हैं तो उनके लिए स्टेप दिया गया है कि इस फ्रेमवर्क का यूज करना होगा, उसके बाद इस रोम को फ्लैश करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो दे दिया है डेडिकेटेड, आप उस वीडियो को फॉलो कर लेना, दिक्कत जरा सा भी नहीं आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का सपोर्ट मिल जाता है फुल्ली, नो इशूज। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि एक स्टेप आगे है हमारे किससे, तो पोको F1 के पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉइड क्यू से, क्योंकि उसमें वीडियो कॉल का बग मिलता है और छोटे मोटे और बग्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फुल्ली फिक्स्ड कर दिया गया है वीडियो कॉल्स वगैरह को जियो के कॉलिंग से और साथ साथ जियो के नेटवर्क को भी, तो यहाँ पे फुल नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो कोई भी इशू आपको जियो से रिलेटेड नहीं आता है, चाहे वो नेटवर्क का हो गया, वीडियो कॉल का हो गया और बाकी अदर्स का, तो यहाँ पे यूजेबल है। बट अगर आप हार्ड गेमिंग वगैरह करने के लिए सोच रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है गेमिंग से रिलेटेड। और आपसे एक सिंगल रिक्वेस्ट यही रहता है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर ले ताकि आपको एवरीडे वीडियो मिलती रहे और आप उसका बेनिफिट जो लेते रहो। तभी मैंने एवोल्यूशन एक्स का भी वीडियो दिया है आपको, Xiaomi Yue का लेटेस्ट वीडियो दिया है जिसमें काफी कमाल के फीचर्स हैं, तो आपने वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लेना, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपको रोम्स को सिलेक्ट करने में कि कौन सा रोम आपके लिए बेटर रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, बस आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करके जाएं और जो भी ओपिनियन है आपका कमेंट बॉक्स में शेयर करते जाएं। बाय बाय।